नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं आज की खबरों से अपडेट। मंगलवार को क्षेत्र की कई सामाजिक संस्थाओं ने एकत्रित होकर चौधरी टीकाराम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में SDM श्वेता सुहाग को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा और उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई नियमों में कड़ाई बरतने की खास ज़रूरत है। साथ ही खरखोदा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के लिए भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और मांग रखी है कि खरखोदा दिल्ली बॉर्डर पर सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके से खरखोदा सब्जी मंडी में सैकड़ों की संख्या में लोग आने लगे हैं। इसके अलावा खरखोदा से दिल्ली भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं। दिल्ली व आसपास का कई इलाका हॉटस्पॉट होने के कारण यहां पर कोरोना का ड्राइव इसी रास्ते से भी हो सकता है। इसलिए हमें इस रास्ते से बेहद चौकन्ना और सावधान होने की ज़रूरत है और इस रास्ते को हम सील करके यह सावधानी बरत सकते हैं। आइए बात करते हैं चौधरी टीकाराम वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर अनिल दिया से, उनका इस बारे में क्या कहना है। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है, जितनी भी हमारी संस्थाएं जो खरखोदे में मिलकर काम कर रही हैं, तो इनके नोटिस में आया कि भाई कल एक जो नर्स थी, ठीक है वो है अभी, जो दिल्ली में काम कर रही थी, कल उसको क्वारंटाइन किया गया। क्यों क्वारंटाइन किया गया? क्योंकि वहां पे जहां वो काम कर रही थी उस हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो उस कारण उसको भी क्वारंटाइन किया गया। दूसरी बात, जैसे रसोई गांव के अंदर कल दो केस मिले, परसों एक दिल्ली पुलिस वाला था, उस दिल्ली पुलिस वाले के कारण फिर दो केस कल और पॉजिटिव मिले। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे औचंदी बॉर्डर से, यहां से लोग दिल्ली पुलिस में भी काम करते हैं, यहां से लोग दिल्ली जल बोर्ड में भी काम करते हैं, यहां से लोग नगर पालिका में भी काम करते हैं, यहां से लोग स्वास्थ्य विभाग में भी जाते हैं, तो वो लोग कम से कम भी 500-600 लोग रोजाना डेली पैसेंजर हैं जो यहां से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से कुछ लोग इधर आते हैं। तो हमने ये सोचा है कि अब तक तो हमारा एरिया बचा हुआ है, किसी तरह से कोशिश करके हम लोग बचा रहे सब मिलजुल के, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली को पूरी 11 की 11 डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जब यहां का बंदा कोई रेड जोन में जाके काम करता है तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो इन्फेक्शन यहां लेके आ सकता है, या वहां का बंदा इधर आता है, जैसे कोई रजिस्ट्री कराने के लिए दिल्ली का बंदा यहां आता है, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली में बैठे हुए इस एरिया में जमीन खरीद रहे हैं, अगर वो यहां आते हैं तो वो पक्का है कि वो इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस है। तो एक तो ये कहा गया कि तहसील में जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं कुछ टाइम के लिए इनको बंद किया जाए जब तक ये कोरोना थोड़ा बहुत कंट्रोल ना हो, और कुछ नहीं तो कम से कम 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसको पूरा कम्प्लीटली दिया जाए ताकि रजिस्ट्री ना हो। दूसरा ये है कि भाई इसमें पूर्ण रूप से अगर बॉर्डर सील हो जाता है, इधर उधर कोई नहीं आता जाता है, तो हमारा ये एरिया सेफ हो जाता है। ये एक ये रिक्वेस्ट है। दूसरी ये रिक्वेस्ट है, तीसरी, कि भाई जो सोनीपत सब्जी मंडी थी वो सील हो गई है, तो वहां के जो सब्जी विक्रेता हैं वो यहां खरखोदा मंडी में पहुंचने लग गए हैं सब्जी खरीदने के लिए। एक तो उसका कोई इंतजाम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इन्फेक्टिव पेशेंट मिले हैं, वो इन्फेक्शन कहीं यहां ना पहुंच जाए। तीसरी बात कि कुतुबगढ़ के, मंगुसपुर के जो सब्जी मंडियां, जो सब्जियों की दुकानें हैं, वो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके इधर खरखोदा से सब्जी लेके जा रहे हैं, तो उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी तरह से ये ज्ञापन पे कार्रवाई हो जाती है तो हमें पूरे पूरे चांस है कि ये एरिया बचा रह सकता है, वरना खतरे की घंटी बज रही है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।